चल बेटा ब्रुसेटा बोलती थी, ब्रुसेटा होता वो इनकॉम्पिटेंट पेंटेटेंट पता नहीं क्या बोले जा रहा है, 10 वर्ड 10 अंग्रेजी वर्ड जस्ट बिकॉज आपने वो किया जस्ट बिकॉज हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ माय फूड चैलेंज मंथ एंड मेरे चैनल पे कमबैक करते हुए आ रही है आशी because he can't stay without me. And आशी जो तुमने threatened किया था मैं collab cancel कर दूँ. मैंने 3 दिन पहले ही शिवेश की वीडियो देख ली जिसमें इसने मुझे annoying बुलाया. मैंने उसको वीडियो भेजी, मैंने बोला cancel, मैं नहीं आ रही shoot करना, sorry. But guys, आशी is back and ये बहुत ज़्यादा I think this is going to be the most fun and challenge chaotic, as and chaotic challenge on my channel. And ऐसे लग रहा है कि हम बहुत chill कर रहे हैं staycation vibes, but that is not the case. हम लोग the Roseate Hotel में हैं and मैं और आशी विद इन 30 मिनट्स, जिससे आशी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, 30 मिनट्स में इन दिस होटल रूम हम बनाने वाले हैं एक 3-course meal. जब ये चैलेंज को मुझे पता चला एंड यहाँ पे मैं आई, मुझे यहाँ आने के बाद ही एकदम पता चला कि हम यहीं पे अपना औजारों से बनाने वाले हैं सामान, और मुझे बहुत आई वॉज टेकन अबैक. सो लेट्स गो, द टाइम स्टार्ट्स नाउ. चल बेटा. बाद में सिखाएंगे. तू ब्रेड कट करेगी, ये मारना चाहूंगा. मैं ब्रेड कट करता हूँ, तू टोमेटोस और बेजल कट कर ले. यस, अरे हमेशा मुझसे चॉपिंग कराता रहता है. और कुछ है ही नहीं काम. मम्मी कोशिश है कि मैं बोलेगी तू शिवेश के साथ चली जा, रोज रेगुलरली चली जाया करो, रोज चॉपिंग सीख के आ घर पे. ओके, इसको क्या करके किधर डालना है? इसको बस चॉप करके अभी रख ले. ओ, ये इसकी स्मेल है. एक्सक्यूज मी, सुन एक बार, सुनो एक बार. यू, ऐसा क्यों है ये? बहुत यू ब्रदर, यू व्हाट इज दैट? बहुत आई थिंक तुझे जाके वॉश करने चाहिए पहले, जल्दी से वॉश कर आशी, मुझसे खुद ब्रेड नहीं खुल रही. एक सेकेंड, ओ गॉड. नॉर्मल पानी से कर रही हूँ मैं. ओह सो क्यूट. इसका जिप लॉक क्लियरली नहीं खुला प्रॉपरली एंड आई, बिकॉज हम होटल रूम में हैं एंड यहाँ पे प्रॉपर नाइफ नहीं है, तो मैं पूरा सावडो ब्रेड कट करने वाला हूँ विद अ बटर नाइफ. फिश को सच में फिश की स्मेल क्यों आ रही है? आशी, आई डोंट थिंक. अब इसको कैसे चॉप करें? इसे हाफ हाफ कर दे. हाफ एकदम हाफ. हाँ, मेरे को देखो सही हूँ मैं. ऐसे काटती हूँ मैं. एक्चुअली नॉट बैड, ब्रेड कट रही है. देखो क्या हो गया. तो ध्यान से काट. एंड जब मैंने काटना शुरू किया तो पूरा जूस यहाँ वहाँ हो गया, पूरे यहाँ तक अभी तक टमाटर का जूस फैला हुआ है. बट शिवेश ने मुझे बहुत प्रेशर दिया एज यूजुअल, पूरा टाइम बोलता रहता है कि क्या करो, जल्दी कर जल्दी कर, क्या करिए करिए, तो मैं बहुत प्रेशराइज्ड हो गई. तो ये बहुत मेरा स्टैंड हिला रहे हो. ये तुम्हारी पूरी. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. ओके, हम सिर्फ 2 पोर्शन ब्रिस्केटा बनाने वाले हैं बिकॉज़ मुझे ब्रेड कटने में हो तो रहा है. ये देखो उसका जूस निकल रहा है. क्योंकि वो नाइफ शार्प नहीं है ना, प्रॉब्लम तो यही है. वैसे तो मतलब मुझे पहले से पता था कि आशी की वजह से मेरी टीम वीक ही होगी, बट जो मेरा सस्पिशन था वो एक्चुअली बिलीफ में बदल गया जब मैंने आशी को बोला कि आशी टमाटर काट दे. एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड कि एक समथिंग एज सिंपल एज टमाटर काट दे से आशी बहुत ज्यादा मुझे लगता है फ्लस्टर्ड हो गई थी एंड वो बिल्कुल भी टमाटर भी ठीक से नहीं काट पा रही थी. देखो आज तो चला कि टमाटर के अंदर सीड होते हैं आशी. नहीं, पर ऐसे वाले एकदम टैडपोल जैसे होते हैं. तब मुझे लग रहा था कि शायद मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, बट आगे देखते हैं. आई होप शी पुल्स अप हर सॉक्स एंड शी डजंट प्रूव मी राइट अबाउट हर बीइंग इनकॉम्पिटेंट एंड जस्ट इनएफिशिएंट. भैया मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, मुझे दूसरी टेबल चाहिए. हो गया हो गया हो गया हो गया. फाइनली यहाँ पर 2 slices of sourdough bread हो चुके हैं. मेरे पैंट पे गिर ना, बता. अब मैं इनके ऊपर लगा रहा हूँ बटर. मेरे मुंह पे आ गया सीधा. मीनवाइल मैं लगाने वाला हूँ बटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द sourdough bread. मेरा शायद पूरी वीडियो में यही काम है. मैं यही करती रहूँगी. तुझे पता है ना, अभी 2 और चीजें बनानी है इसके बाद. ये बताओ, इतना बहुत है.
ये शार्प नहीं है एग्जैक्टली दांत से तोड़ तोड़ कर अनलाइक आवर जॉ लाइंस आर ओके अच्छा मैं काम कर ये तो सब निकल रहा है मैं जूस सब तो निकल गया काम कर तू इसको फॉइल में रैप कर ये मुझे अच्छा लग रहा है और ब्रेड टोस्ट करना स्टार्ट कर यूजिंग ये आयरन दोनों को एक में डालूं क्या एक्चुअली टमाटर काफी ज्यादा जूसी और से निकल निकल के बाहर आ रहा है जूस शिट हाँ दोनों को अलग अलग कर दे एंड ज्यादा वो मत करियो फॉइल का लेयर ओनली वन लेयर तो पानी डालना है ये हमें पुट्ठे काम करना है शेष को मजा आता है हम नॉर्मली किचन में कर सकते नहीं बोर टहल जाएंगे और फिर ये करेंगे ऐसी ऐसी चीजों से किचन में बोर हो गए अब दूसरा बैकग्राउंड टू प्लेन टू वनीला इससे मेल्ट होगा ये बटर और बताओ हाँ तू बेड पे आपको आता नहीं है क्या कुछ बनाना सो गाइस टमाटर फाइनली हो चुके हैं एंड नाउ मैं थोड़े से बेसिल लीव्स भी चॉप कर रहा हूँ यहाँ पर एंड अगेन टाइम इज रनिंग आउट बहुत कम टाइम बचा है यार मैं रख दूँ प्रेस को छोड़ के आ जा मैं वही कह रहा हूँ तू आ जा मुझे स्ट्रेस हो रहा है We have to यार आज हमें खत्म करना है 3-course meal in 30 minutes. Yeah, yeah. Not gonna be easy. तो मैंने quickly उसके बाद उसमें basil leaves भी chop करके डाले and मैंने जब तक वो filling भी ready कर ली थी आशी से अभी तक bread toast नहीं हुई थी तो मुझे उस time पे भी थोड़ा सा लग रहा था कि ये bread toast हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी but इस time पे मुझे लग रहा है कि शायद हमें अपने judges को कच्ची bread ही serve करनी पड़ जाए सॉल्ट हमने मंगवा लिया है एंड दे हैव वेरी काइंडली गिवन अस सम सॉल्ट जिसको मैं स्वाद अनुसार डालने वाला हूँ थोड़ा टोस्ट ना हम्म वो ड्रेसिंग के लायक बचा नहीं है क्यों क्योंकि वो फ्लैट होता जा रहा है और एकदम बटर से नहाता जा रहा है वो बटर से भाई फॉइल के अंदर है वो टाल के ऊपर है वो बेड के ऊपर है इसमें क्या गलत है चल ठीक है आई होप सो अच्छा अब मैं इसमें डाल रहा हूँ बाल्सामिक विनेगर एंड हमारी दिस इज रेडी हाँ आशी ब्रिस्केटा की टॉपिंग इज रेडी बट टोस्ट नंबर 1 इज आल्सो टोस्ट नहीं व्हाट डू यू डू विद द ड्रेसिंग सही है हो गया नॉट बैड दूसरा दो ये ले वाली तो और भी बढ़िया है ब्रेड उसी में लगा दो ना फॉइल या हां नहीं दे दो ये ले मैं असेंबल स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है 20 मिनट लेफ्ट शिट ये एक्चुअली ब्रेड काफी ज्यादा लिचपिची एंड पिलपिली हो चुकी है यहाँ पे आई नीड अ प्लेट जरा प्लीज पास कर दो इतनी हेल्प तो कर ही सकते हो गाइस अच्छा इसके नीचे ही है ये आपने 10 लेयर में क्यों फोल्ड करता ताकि और टाइम लगे इसको आशी वी आर अ टीम ये बंद भी तभी हुई क्योंकि इसकी मैक्स पे वो टक हो जाती है ना दूसरा कच्चा ही खा लेते हैं टोस्ट गाइस ऐसे में ये बताना चाहता हूँ दैट जो भी आप रियलिटी कुकिंग शोज बहुत ही इंटरेस्ट से टीवी पे देखते हो उसमें टाइम का बहुत ज़्यादा होता है आप समझ रहे हो ना मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता बट टाइम का काफ़ी ज़्यादा इधर उधर होता है आई कांट टेक नेम्स बट समझने वाले समझ चुके हैं बट इस एपिसोड में टाइम विल बी 30 मिनट्स ओनली एंड वी हैव टू फिनिश तो क्या होगा We are not thinking about that. दे दे फिर कच्चा करते हैं भाई 10 मिनट कितने टाइम हो गया 12 मिनट हो चुके हैं दे दे बस ठीक है यही करते हैं चल आशी आ जा प्लीज वो करें सेकेंड कोर्स की ओ गॉड उससे भी बुरा हुआ ना शैम्बल्स हाँ क्योंकि इसको बहुत कम टाइम मिला अब जो हमारा सेकेंड कोर्स है उसके लिए हम बनाने वाले हैं नूडल्स नूडल्स बोले वो पैकेट बोला हम अपने घर से कैटल लेके आए बिकॉज हमें उनकी कैटल खराब नहीं करनी बट सो स्वीट एंड कंसिडरेट ओके रेडी हाँ ये हो गया हमारा कौन खाना चाहेगा हैंड्स अप करो हैंड्स अप एवरीवन 10 मिनट लग गए ये करने में भी हमें ओके ये खोलेंगे आप थोड़ी ये लो डालो इसके अंदर एंड कितने नूडल्स सारे डालेंगे नहीं थोड़े से ही बनाते हैं तो पानी उसमें सबसे आधा ना हाँ आधा डाल दे नूडल्स को बनाना एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग यहाँ पे हो रहा है हमारे लिए बिकॉज ऑब्वियसली इंडक्शन नहीं है सॉस पैन नहीं है
तो केटल जो हमें होटल रूम में मिलती है, मैंने सोचा कि केटल में नूडल्स को बॉईल किया जाए। आई एम नॉट श्योर कि वो होगा कि नहीं होगा। केटल में मैंने एक वीडियो के लिए चावल तो बनाए थे, बट अब नूडल्स का बन जाते, तो कर रखा ट्राई? नहीं, पर मैंने देखा है तो इतना बहुत है ना पानी। मैं तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ, नहीं आएंगे अदरवाइज। पानी इतना बहुत है, आई एम गेसिंग थोड़ा। एंड मीनवाइल आई एम गोना मेक नूडल्स की ड्रेसिंग। नूडल्स में भी टमाटर डालने काटे ही और ये कटे हुए ये डाल दो, बहुत है जो बचे हुए। हाँ, तो बेसिकली मेरे पास इस जार में है विनेगर, ये देखना। एंड अब इसमें मैं अंदाजे से चीजें डाल रहा हूँ, बस काफी है लगा दे भूसा। हाँ, भूसा। इसके लिए अंदर मैं इसमें डालने वाला हूँ चिली ऑयल एंड साथ में आई एम पुटिंग सॉल्ट, पेपर, सोया सॉस, पीनट बटर। आई एम ऑल्सो पुटिंग पीनट बटर। ये कौन से टाइप के नूडल्स बन रहे हैं? ये काफी ज्यादा एशियन एंड यमी नूडल्स बन रहे हैं। इट्स ओके। एंड आई एम ऑल्सो गोना पुट सोया सॉस, जिसको मैं ढक्कन में मेजर करके डालने वाला हूँ। वो काफी ज्यादा सॉस बना रहा हूँ मैं। अच्छा, और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। ये कहाँ बन, अच्छा इसके अंदर ही बन रही है। हाँ, कर दिया तूने नूडल्स को। वो पैनकेक मिक्स इंस्ट्रक्शंस क्विक प्ली मिक्स, मुझे ये मैंने एक लौती चीज है जो मैंने कभी ना कभी बनाई है घर पे, तो ठीक है ये कर तू। पैनकेक मिक्स बना, स्टार्ट कर। ये हम बनाएंगे किस पे? आई विल टेल यू एक टेक्निक। दिस टेक्निक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, आई शैल शेयर इट विद यू। तो डाल, अभी हमें एटलीस्ट 3 पैनकेक तो बनाएंगे फॉर आवर 3 मास्टर शेफ जजेस। मुझे लग नहीं रहा वो इंटरेस्टेड होंगे ये। एंड ऑब्वियसली अगर अभी तक आपने गेस नहीं किया है, डेजर्ट्स में वी आर मेकिंग पैनकेक्स। गेस नहीं किया है, 10 बार हमने बोल दिया पैनकेक्स, बट जस्ट इन केस कोई बेवकूफ लोग देख रहे हैं अभी भी देख रहे हैं जिनको अभी तक नहीं समझ आया। ये भी कम है ना थोड़ा। हाँ, नूडल्स की ड्रेसिंग भी रेडी हो चुकी है, सो आई एम जस्ट वेटिंग कि जैसे ही नूडल्स बॉइल होंगे तो हम इसमें ये ब्रुस्केटा के टमाटर और बेसिल भी एक्चुअली डाल देंगे और उसके ऊपर ये ड्रेसिंग डाल के नूडल्स भी रेडी कर देंगे। कितना टाइम बचा है? 14 मिनट बचे हैं बस। बट ठीक है, हमने काफी प्रेप कर लिया, काफी हो गया। बस 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 नूडल्स बन जाए बस। क्या किया मैंने? मैंने किया, ओह आई होप बस नूडल्स हो जाए। ओए यार क्यों प्रॉब्लम, रहने दे। अच्छा, बट हमें आयरन चाहिए उसके लिए भी, पैनकेक्स के लिए भी। वो एक सेकंड, उसके ऊपर कैसे बनेगा गोला? आई विल टेल यू ना, मैंने भी खुद कभी बनाया नहीं है, बट आई एम गोना ट्राई समथिंग। ये मुझे एप्रिन चाहिए। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, मेरा फोन चाहिए ना वो, क्यों? शिट, ओ शिट। जो आशी को मैंने टास्क दिया था कि आशी नूडल्स को प्लीज देख लो, उस पे नजर रख लो, आशी उसको छोड़ के पूरे होटल रूम में बस घूम रही थी। मेरी बुराई नहीं करनी है, कुछ नॉर्मल चैलेंज के बारे में भी बोल सकते हैं। और सडनली आई सी कि केटल से गरम पानी उबल उबल के निकल रहा है एंड ऑब्वियसली वहां पे क्या पड़ा है, वहां पे मेरा फोन पड़ा है। एंड आई थिंक आशी ने जो वीडियो देखी थी अबाउट मी कॉलिंग हर अनोइंग, तो मुझे थोड़ा सा लगा उस टाइम पे कि शायद ये ऑन पर्पस किया गया है। तो मैं फुटेज देखूंगा बाद में, आई होप जब ये शो रिलीज हो तो सब ऑन रिकॉर्ड है, देख सब रहे हैं। तो आई फील लाइक आशी को डरना चाहिए था एटलीस्ट फ्रॉम द पब्लिक, बिकॉज वोटिंग लाइंस नेक्स्ट वीक खुलेंगी, तो शी शुड हैव थॉट अबाउट दिस कि लोगों को देख ही रहा है ना, आप मुझसे छुपा के आप मेरे पीठ पीछे जो कर रहे हो, बट द ऑडियंस इज वॉचिंग इट एंड आई फील लाइक उत्सुकता निकाली है ना आज आपने, सब दिखी है, सब दिखी है, जस्ट बिकॉज सब दिखा है आज। सो नेक्स्ट बारी थी हमारे मेन कोर्स की, इसमें हमने सोचा था नूडल्स बनाएंगे और हमने, मुझे ऐसा लगता है हमने बहुत पानी डाल दिया, कि जैसे ही मैंने उसको प्लग में डाला वो पानी उबल उबल के बाहर आ रहा था, मतलब पूरा कीचड़ हो गया था, शिवेश का फोन भी गिला हो गया उसके बाद, तो मैं बहुत इट्स ओके आई एम हैप्पी अबाउट इट, उसको कोई रिग्रेट्स नहीं है, मतलब गैस वो बेचारी बीमार हो गई, उल्टियाँ हो रही थी उसको, तो हमने उसको सही कर दिया उसको हम थोड़ा कम्फर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। हुए नूडल्स के नहीं हुए, इसको खोलूँ कैसे मैं, सड़ ना जाऊँ। निकाल,
हुए नहीं अभी, नहीं एक और बार होगा। पर जो नूडल्स में से पानी मारा कमरा, उसका मुझे दुख हो रहा था कि पूरी बार टेबल गंदी थी, मैंने उसको सहलाया अच्छे से, टाल बिछा के पूरा ऐसे करके, जैसे कि आपने देखा होगा, फिर वो थोड़ा बेटर फील करने लगा। फिर उसके बाद हमने जब नूडल्स निकाले, हमने कहा कच्चे हैं, फिर नूडल्स छोड़ो कच्चे मैं भी खाई लेती हूँ, तो हम नूडल्स बाकी लोग भी खाई सकते हैं, हम भी खाई लेते हैं, तो इतने कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो आई एम गोइंग टू मेक पैनकेक्स, इसको मैं एज अ गैस यूज़ करने वाला हूँ, और इसके ऊपर पार्चमेंट लगा के उसके ऊपर हम पैनकेक्स कुक करने की कोशिश करने वाले हैं। ओ पानी गिर रहा है उसमें। गॉड, ओ गॉड, वो नहीं, शॉट ले, एक से शॉट ले, वो तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये बहुत ही मार है केटल। अब इसको समान है, उसको समान है, यार ये कहीं प्लग इन कर दो ना यहाँ पे, लेट्स ट्राई। थोड़ा फिसल रहा आपका बेस, इतना अच्छा सर्कल। ओह गॉड, आई होप इट बन गया। मुझे बहुत डाउट्स हैं ये बनने के, मुझे लग नहीं रहा वो बनने का। ऑन तो है ना, ये फिसले जा रहा है, ऑन है कि नहीं है, पीछे से जो पानी निकल रहा है उल्टे उसके हिलने से लग रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि ऑन है कि नहीं है, क्योंकि गर्म होगी ना वो, हो रहा है इसको फ्लिप कैसे करूंगा, पहले ये देखो, ये देखो गाइस, माय क्रिएटिविटी, मोस्ट अनोइंग थिंग्स इन लाइफ, चम्मच उसमें ट्रे में था ना, और आउटफिट मैच कर रहा है मेरा हैंडमेड डीआईवाई एप्रन। ये तो नहीं बन पाए गाइस, लेकिन थोड़े सॉफ्ट तो हो गए हैं, कि बाकी अब हो रहा है तो पानी बाहर आ रहा है, बट खाने लायक हो गए हैं ये एक्चुअली। हम ना ओह क्या इतना गंदा लग रहा है, ओह कर रहा है इतना बुरा यार, एक्सक्यूज मी, प्रेस के ऊपर हमने पैनकेक बनाए, इसमें चम्मच नहीं है, तो ये सर्व करने लायक नहीं है, ये ना छुपा देते हैं जैसे मिस्टर बीन बैग में छुपाता है। तू डाल नूडल्स डाल, ड्रेसिंग बहुत ड्राई है, वो सही है। कुछ सही भी बना, बहुत शैम्बल्स में हो रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा शैम्बल्स में हो रहे हैं, और हम लोग तीन जजेस को सर्व करने वाले, एक छोटा कोई बात नहीं, हम मिशेलिन स्टार हो है इसलिए हमारे पोर्शंस कम है छोटे-छोटे। हाँ ट्रू, हम लोग फैंसी रेस्टोरेंट है जो कम पोर्शन ही सर्व करता है अपने गेस्ट, ऐसा नहीं है कि हमें बनाना नहीं आता या हमसे बना नहीं, या हमें कोई इश्यूज है, दैट्स ट्रू, दिस इज जस्ट आवर स्टाइल। खुशबू अच्छी आ रही है, जीवेश नॉट आ रही है, चल सही है। फिर हमने कच्चे नूडल ही डाल दिया उसमें, कच्चे नूडल में ही ड्रेसिंग बना दी जो शिवेश ने बना दी थी, बहुत ही पीनट बटरी ड्रेसिंग थी, मतलब मुझे लगा उसने तो ये काम तो अच्छा किया, वो तो करता ही है, उसका मतलब फोर्टे है ये ऐसा सब काम करना, बट अफसोस वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया इस बार, मतलब उसने कुछ और इसको फोक दे दो, फोक दे दो, फोक दे दो, 5 मिनट लेफ्ट गाइस, अब बहुत ज़्यादा पेटिंग का टाइम हो रहा है, पैनकेक हमारा अभी तक एक ही बना, आई थिंक मैं जल्दी से एक और रख के आने वाला हूँ, तो इसको कराशी हट एक सेकेंड। जब तक डिजर्ट की बारी आई, आई थिंक आशी ने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा है वो रियलाइज कर चुकी थी कि उससे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम तक तो उसने मतलब फिर होता नहीं, कोशिश भी नहीं करी उसने, which I was okay with, मैंने कहा कि चलो ठीक है let's try, मतलब अकेले try, ठीक है it was supposed to be a team challenge, उस वक्त मुझे काफी अकेला महसूस हुआ, मुझे लगा कि am I alone in this game show, क्या मेरे टीम पे मैं नहीं डिपेंड कर सकता, तो शायद उसका आंसर कहीं ना कहीं हाँ था। क्या कर दिया आप लेने से, leave it on the judges। गाइस आई थिंक हमारे जजेस को डिजर्ट में मिल रहा है ये एक पैनकेक, और इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ बहुत सारा फ्रूट, एक्चुअली लेट्स डू, यहाँ पे हमारे रूम में कुछ फ्रूट पड़ा था, ये डाल के लेट्स सर्व फ्रूट विद पैनकेक, नॉट पैनकेक विद फ्रूट्स, पीनट बटर भी है। हेलो या कैन आई प्लीज गेट सम टिश्यूज इन माय रूम प्लीज एंड सम कटलरी। कितना टाइम बचा है यार, नहीं नहीं थोड़े दे दो, वाओ ओए ब्रुशेटा का को, ओके ये डिजर्ट है हमारी, देन इट वाज टाइम फॉर आवर फाइनल मील व्हिच वाज द डेजर्ट्स, एंड अब इसमें तो आपको पता ही है मैं प्रो पे छोड़ देना चाहती थी, मतलब कुछ तो अच्छा बन जाए यार, क्योंकि दो हमारे मील ऑलरेडी थोड़े हमारे हिसाब से अच्छे नहीं बने थे,
तो मैंने स्टेप बैक करा, तब तक मैं ड्रेसिंग वगैरह मिक्स करी थी नूडल्स में, एंड व्हाइल शिवेश वाज ऑलरेडी ऑन द आयरन मेकिंग पैनकेक्स, एंड देन आई गो टुवर्ड्स हिम एंड आई सी दैट दिस वाज द साइज ऑफ द पैनकेक दैट ही वाज मेकिंग फॉर 3 जजेस, एंड आई टोल्ड हिम दैट इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू सर्व दिस, तो हम थोड़ा स्किप कर देते हैं, कुछ और कर देते हैं, बट नहीं, वो कच्चा पैनकेक एज इट इज़ ये हमारा प्लेट था, तो और इसका भी इतने में पैनकेक फिट हुआ था, तो आप सोच सकते हैं कि 3 लोगों को सर्व करने के लिए, तो लाइक रियली आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड इन हिम, मतलब आई वॉज नॉट अगेन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट दिस वॉज हिज लाइक, तो रोज करता है, मतलब रोज 4 बुक लिख चुका है डेजर्ट पे, और ये आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आउट ऑफ हिम, बट ठीक है, हमने एटलीस्ट कम्प्लीट करा, एंड या आई एम हैप्पी। चलो हम बेजल से गार्निश भी कर देते हैं, सो दैट इट लुक्स प्रीटी। मुझे खाने का मन कर रहा है नूडल्स। ठीक है, चलो गाइस गाइस गाइस, तो हमारा मोस्टली तीनों का प्लेटिंग हो चुका है, जस्ट दैट ये नूडल्स की प्लेट अभी बहुत गंदी लग रही है, तो हम लोगों ने रूम सर्विस में टिश्यूज ऑर्डर करे, बट बिसाइड दैट कितना टाइम बचा गाइस? 2 मिनट का टिश्यू है, ओह गॉड टिश्यू है, चलो चलो चलो, भगवान ने सुन ली, वी कैन एक्चुअली डू दिस गाइस, टाइम टाइम, लवली लवली, नॉट बैड आशी, नॉट बैड। कितना टाइम बचा है? 1 minute 20 seconds, which means that we have successfully completed the challenge. वो नहीं, हम लेना चाहेंगे उसको। ओ दे दो दे दो दे दो। Almost done. ये दिखने में तो not bad भाई। हाँ, बाद में डालेंगे। ये थोड़ा हटा दूँ मैं, सबसे पहले बैठी सबसे मेरा aesthetics खराब हो रहा है। So guys, 29 minutes में मैंने और आशी ने एक होटल, मुझे भी नहीं लग रहा था कि होगा, और आशी तो बहुत ही स्ट्रेस ले रही थी। स्ट्रेस नहीं ले रही थी, मैं बहुत चिल थी क्योंकि मुझे पता नहीं होने वाला। But हो गया, surprise. हो गया, मैं तीनों courses ready है, obviously हमारा dessert काफी ज़्यादा ignore हो गया था, and I don't think कि iron के ऊपर pancakes बनाना was a good idea, but I think हम ready है to take it to our judges. Can I try? I like this. हाँ चल, हम दोनों try कर लेते हैं. Excuse me, it's okay. पहले उसका photo नहीं लेना चाहिए था. चल कुछ नहीं है, एक bite. कितने गंदे हो. Cheers, dear. Try. The noodles are little al dente. वो उनका मेरे को लगता है जनरल टेस्ट आटा नूडल्स का, but dressing. I would like to rate us a 10/10. I would खुद कर सकते हैं. मतलब सही है. मिर्ची और डाल सकती है क्या? डाल दे चिली फ्लेक्स ऊपर. चिली ऑयल. चिली ऑयल में ऑयल ही नहीं है, वो निकल ही नहीं रहा. It's done. चलो, let's do the taste test and let's call in on our master chef judges introducing Chavi again and Tanya. Very uneven plating. Nahi, according to the presentation it's really nice. Yeah. I like the presentation. It's like 8 or 9, 8.5. Yeah, it's like 8 out of 10 for the plating and the presentation. Oh, cherry tomatoes to bhe. Cherry tomatoes thode se bhe gaye hain bahar. And this cherry tomato to is not even cut. And not even. Aapki noodles khayi hui lag rahi hai. Ha, aapne noodles khayi hai kya? It's look like you have already tasted it. Nahi to. It's nice. What is it? Sesame seeds bhi hai. क्या ये ब्रेड उठ पाएगी? नॉट, नहीं, वो बेचारा टमाटरों का वेट शैम्बल, ये उठाते उठाते मेरी ब्रेड, हमें ब्रेड को कंधा देना पड़ रहा है गाइस। बोलो अच्छा, जल्दी अच्छा बोलो, मोर सॉल्ट एंड पेपर, ब्रेड भी कच्ची है, जब ब्रेड थोड़ी और बेक हो सकती है, इट्स वेरी अंडर टोस्टेड, that we agree. But we don't see a problem with the tomatoes, but yeah. Okay. Chalo, cool.
आई थिंक वैसे जजेस ने हमारे को इतना अप्रिशिएट नहीं किया, मतलब या लाइक फॉर द एफर्ट्स. नाइस, पीनट बटर ज्यादा हो गया. टू मच ऑफ पीनट बटर. पीनट बटर नूडल्स. इट्स पीनट बटर नूडल्स, नॉट एशियन नूडल्स. इतना सा पैनकेक. इतना सारा, नॉट इतना सा. हाँ, इतना सारा. ये तो बहुत ही ज्यादा. सच न्यूट्रल कलर्स. हम लोग जो हमें होटल ले दिया, हम वो खाना चाहेंगे. मैं इसको बनाना के साथ खाना चाहूंगी ताकि टेस्ट कवर हो. बनाना एंड पीनट बटर जस्ट फॉर सम एक्स्ट्रा टेस्ट. इट्स जस्ट ठंडा कच्चा मैदा. बहुत बुरा है, कच्चा है. कच्चा मैदा. ठंडा कच्चा मैदा. पैनकेक भी मतलब आयरन पे बनाना, आई डोंट थिंक, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन ठीक है, उनका मतलब देयर एक्सपर्ट्स, उनका हां, वो हम कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते डिसीजन, बट आई थिंक हमने काफी ज्यादा अच्छा लाइक पुट आवर हार्ट एंड सोल. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. एंड टेस्ट काफी अच्छा था. आई लाइक द नूडल्स. पैनकेक्स पता है वो खत्म भी कर गए, हम टेस्ट भी नहीं कर पाए बाद में, खत्म पता चले द डीकंस्ट्रक्टेड ब्रुशेटा. 7/10 द पीनट बटर नूडल्स. 6/10 And the thanda kachcha maida minus. Pancakes pure khade hain guys, dekho. But I feel like pancake unhone isliye khatam kar diya taki hum khud try karke unki judgment ko question na kar sake. Possible. But it's okay. I think we need. We are happy. I think yeah. We at least completed the challenge. So. Ashi, thoughts on our performance? मैं तो impressed हूँ भाई खुद लोग. मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल zero expectation थी, इसलिए मैं बहुत ऐसी थी. मुझे शिवेश कह रहा भाई भाग कर, क्या होगा 30 मिनट में, नहीं होने वाला पता है मुझे. But I'm impressed. The fact कि हमने कर दिया plate also. चाहे कच्चा, वच्चा, कुछ भी, leaking, टूटा हुआ, पर बन तो गया. कुछ तो हमने बना दिया. कुछ तो. And I feel like मेरी MasterChef India performance तो ये better ही जो यहाँ में मैंने किया है. मैं बस मुझे कुछ भी आईडिया नहीं था कि स्ट्रेस चल क्या रहा है. But I feel like this was actually a lot of fun and ये obviously बहुत ज़्यादा challenging था because हम वापस अपने किचन का comfort और कुछ भी equipment नहीं था. But हमने कर दिया आशी. Well done. And let me know अगर आपको channel पे और ऐसे challenges चाहिए. आशी जब भी Delhi आती है मैं उसको पकड़ के थोड़ा सा अपने साथ cooking करवा देता हूँ. भारी दोपहर में ready होके जो मेरा leisure time होता है उसमें ही काम करता है पूरा time shoot. तो quickly अपने comments में नहीं मतलब इस video के comments में please rate our performance. And if you enjoyed watching this video, make sure you hit the like button and subscribe to my channel. And don't forget to check out Ashi's channel. हमने इसके channel के लिए कोई video नहीं करी है. But you can still go check it out. देख लो, पुराने देख लो. हाँ, बहुत सारी videos हैं. And I'll see you guys next week with another episode of the Food Challenge Month. Bye bye.